वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से हम हाजिर हैं आपका गणित का चैप्टर लेकर के, हिस्से और पूरे जो हम पिछले वीडियो में आधा पढ़े थे। अभी हम बात करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा कि किसी चीज़ को अगर बांटना है, डिवाइड करना है, उसको हम अंकों में अगर संख्या के रूप में हमने लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, वो हमने जाना है। तो हम रुके थे त्रिभुज पे, त्रिभुज हमने नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक पिक्चर बनाऊंगा, ये है, इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, क्या कहते हैं, त्रिभुज, त्रि दो शब्दों से मिलकर बना है भुज। त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजाएं, तीन भुजाएं, जैसे एक भुजा ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक। इस आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं पहले, तीन सरल रेखाओं से, सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, यस, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कहते हैं, एक ध्यान इसमें रखना है, ये सरल शब्द मैंने क्यों लिखा इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ये मिलता जुलता है कि क्या ये त्रिभुज हुआ, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तीन सरल रेखाएं नहीं है, हल्की सी शेप इसकी त्रिभुज की तरह है, परंतु इसकी जो रेखाएं हैं वो सरल सरल होगी, सीधी, ये है त्रिभुज, ठीक है। इसलिए सरल लिखना यहाँ पे जरूरी है। और त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, इसमें तीन कोण होते हैं, एक, दो और तीन, तीनों कोण, जैसे इस त्रिभुज में लगभग 60 डिग्री के तीनों कोण बने हैं जो मैंने ये त्रिभुज बनाई है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 60 + 60 + 60 = 180। चाहे कोई भी आपके कोण होगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 100, कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने त्रिभुज का शेप चेंज कर दी, अब मैंने ये त्रिभुज बनाया, आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कोण है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा जो कोण ऊपर बनता है उसको हम कितने डिग्री का कोण बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण है। तो हमारे पास दो कोण और बच गए हैं, अब ये कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, आप बता सकते हैं कितने डिग्री का होगा ये, कोण हम रखते हैं, अगर हम इसको अपने डी से नापेंगे, डी जो जिसको हम चांदा भी बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, उसमें लगभग 30 डिग्री का, और अब कितने हो गए टोटल, 90 और 30 हो गए 120। तो जो लास्ट का हमारा बचता है वो कौन सा, कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और तीनों का योगफल कितना हो गया, 180 डिग्री। और त्रिभुज की एक और चीज बताता हूँ, इसके तीन शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन। इसमें देखो ना, त्रिभुज के बारे में तीन कोण हो गए, तीन इसमें शीर्ष हो गए, और तीन ही इसकी भुजाएं होती है, और तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, कुल 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये त्रिभुज के बारे में। अब हम त्रिभुज के भी हिस्से कर सकते, हम डायरेक्ट अपने इस पे आएंगे, ये त्रिभुज की परिभाषा वगैरह ये सब कुछ मैं आपको अलग से कॉपी में लिखने को दूंगा। त्रिभुज के हिस्से, ये देखिए मेरे पास एक क्या बन गई, त्रिभुज बन गई। अब इसके हमने हिस्से करने, कितने हिस्से किए हमने, अब कितने त्रिभुज बने इसमें, देखो ना, एक त्रिभुज, ए
एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बन गई। कितने त्रिभुज बन गए इसमें? कितनी बनी बच्चों? तीन त्रिभुज बन गई, एक दो तीन। अब सफेद त्रिभुज को तीन बराबर हिस्सों में बांटा गया है, हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये बराबर हैं? सोचो कैसे। अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से तीन बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो, हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरने की कोशिश करो। त्रिभुज के हम हिस्से कर सकते हैं, और एक आपको अलग से त्रिभुज भी दी है, उसको भी आपने कोशिश करनी है। जैसे मैंने इस तरीके से बांटा है, आप किसी और तरीके से उसको तीन बराबर भागों में बांट सकते हैं। क्लियर है बच्चों? पर ये जरूरी नहीं है कि जब आप उसको अलग भागों में बांट रहे हैं तो उसमें भी तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज से हमने त्रिभुज ही नहीं निकालनी है, त्रिभुज से हम आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बांट सकते हैं, ऐसे करके। कितने हिस्से हो गए इसके? तीन हिस्से हो गए, ठीक है। या त्रिभुज को और किसी तरीके से आप बांट सकते हैं, कैसे? ये कितने हिस्से हो गए त्रिभुज के? यहाँ भी तीन। अगर हमने इसको अंकों में लिखना है कैसे लिखेंगे? एक बटा तीन, और अलग अलग कलर से आपने रंगों से इसको दर्शाने की कोशिश करनी है। और वैसे ही अब नेक्स्ट पे आप आगे जाएंगे आयत के छह भाग करने। आपके पास एक आयताकार आकृति दी है, मान लीजिए ये है, इसके छह हिस्से करने हैं आपको। कैसे करेंगे? एक दो तीन, तीन में क्या होगी? आधी होगी ये। यहाँ पे हम इसके छह हिस्से करने के लिए एक तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या अलग कॉन्सेप्ट दिया है? एक दो तीन, कितने हिस्से हो गए इसके? अभी इसके हिस्से ज्यादा हो गए। आपकी बुक में कितने दिए हैं? ये है एक। अब गिनो जरा कितने हुए, एक दो तीन चार पांच छ। आप इसको इसी तरीके से भी बांट सकते हैं, जैसे ये करके, एक दो तीन चार पांच, और लास्ट क्या हो गया? छ हो गया। तो अब हमने इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? कितनी हुई है? एक बटा कितनी है? छ। कितनी होगी? एक बटा छ। मान लीजिए इसमें हमने दो को सरदार कर दिया है। अब अगर हमने इसको लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे भिन्न में? इसमें से दो को हमने कलर कर दिया, दो को अलग दर्शा दिया है, चार हमारे पास अलग बची हुई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दो हमने हाईलाइट कर दी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल तो है छह हमारे पास, दो बटा छ। तीन करेंगे तीन बटा छ, चार करेंगे चार बटा छ, छह करेंगे तो छ बटा छ, मतलब एक पूरी आकृति। ठीक है बच्चों, आपको क्या काम करना है? बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट था वो हम आपको पहुंचा चुके हैं, आपको वो मिल चुका है। चैप्टर को डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे। आपको फिलहाल क्या करना है, वृत्ताकार आकृति को हिस्से बना करके उसको अंकों में लिखना है, संख्या नाम में लिखना है और भिन्नों में लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, त्रिभुज को भी तीन चार हिस्सों में बांट करके उसके बारे में भी लिख सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, और आयत आयताकार आकृति को या वर्गाकार आकृति को भी आप कर सकते हैं, उसके भी हिस्से आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कब करेंगे हम इसको? जैसे स्कूल खुलेंगे आपका जब रिवीजन भी होगा चैप्टर का, वहाँ पर कंप्लीट भी करेंगे। फिलहाल तब तक हमने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप तक पहुँचा दिया है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।